हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक आसान सा और झटपट बन जाने वाला नाश्ता, जो आप इसे स्नैक्स टाइम भी खा सकते हैं। वैसे आप किसी भी टाइम खाएं, जो आपको टेस्टी लगेगा। बच्चे तो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ये इतना क्रिस्पी और टेस्टी है कि आप बाहर का सैंडविच खाना भूल जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई कैप्सिकम, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और हाफ जहाँ पे हमने टमाटर ले लिया है इसको भी बारीक काट लिया है, और एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से बॉयल्ड स्वीट कॉर्न, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च मत डालिए। सारी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर जो आपके बच्चे खाते हैं, लेकिन वेजिटेबल को आप बारीक काट लें और कोशिश करें कि वेजिटेबल को नाइफ से ही कट करें, ना कि किसी चॉपर में। अगर हम चॉपर में इनको चॉप करेंगे तो वेजिटेबल का सारा जूस निकल जाएगा, जिससे सैंडविच टेस्टी नहीं बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून नमक, या स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लें, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग और आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। मिक्स इट। और ये हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज ली है, ये एगलेस मायोनीज है, ये भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। ये मैंने बड़े साइज के ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। आपके पास जो भी ब्रेड हो आप वो ले सकते हैं। इनके कॉर्नर कट कर लेंगे। अगर आप नहीं काटना चाहते, इट्स ओके, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये थे तो मैं यही यूज कर रही हूँ। जो हमने कॉर्नर काटे हैं आप इनको फेंकना मत, आप इनको ग्राइंडर में चला लीजिए। आपका ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे फ्रिज में 4-5 दिन रख के यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और इस पे टमाटो केचप लगा देंगे। और फिर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। ये मैंने मुजरेला चीज लिया है, ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब दूसरा स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर टमाटो केचप लगा देंगे। और इसकी ऊपर वाली साइड पे बटर लगा देंगे। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे। आप इसे ग्रिल्ड भी कर सकते हैं या फिर ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन तवा हर किसी के पास होता है। ये मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, लेकिन जो नॉर्मल तवा होता है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर घी थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तवा बिल्कुल गर्म हो गया है, अब फ्लेम को लो कर देंगे। हमने सैंडविच लो फ्लेम पर ही बनाना है। अब तवे पे बटर लगा देंगे और ब्रेड को तवे पे रख देंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और 1-1.5 मिनट के बाद स्पैचुला से चेक कर लेंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी ढककर सेक लेंगे। अगर आपको लगे कि बटर कम है तो आप और लगा लीजिए, और जहाँ जहाँ से आपको ब्रेड कच्चा लगे वहाँ से आप स्पैचुला से इसको दबा दबा कर सेक लीजिए। लीजिए, हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। गाइस, ये इतना क्रंची है कि मुझसे काटा भी नहीं जा रहा, और देखिए ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो गाइस, आप इसे बनाइए, खाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय।